हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं परसेंटेज का कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, प्रतिशत का जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग नहीं जानोगे तो समझ लीजिए आपको कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो बताऊंगा ना, वो अपने दैनिक जीवन में हमेशा काम आता है। ये हमेशा काम आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा। जैसे मैं देखिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, आप सही से ध्यान दीजिएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बोला, इसका यूज जो है सो आपको हमेशा आता रहता है और इसका यूज आप हमेशा करोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो क्वेश्चन पहला है दोस्तों कि आप जैसे 50 जैसे 50 जो है ना, सो 500 का कितना प्रतिशत है, 500 का कितना प्रतिशत है, आपको पहला क्वेश्चन यह हो गया है ना। क्वेश्चन मैं ले लिया कि 50 500 का कितना प्रतिशत है। देखिए बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा। तो 50 500 का कितना प्रतिशत है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके जगह पे तो ढेर सारा हो सकता है, 50 500 का कितना प्रतिशत है, 101,000 का कितना प्रतिशत है, 10 जो है 10,000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अगर प्रतिशत कहे ना निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 50 500 का कितना प्रतिशत है ना, तो बट्टा में 500 कर दीजिए, कितना प्रतिशत है तो गुने में 100% कर दीजिए, याद रखिए इतना कर देना है। 50 500 का कितना प्रतिशत है, तो 50/500 और गुने 100%, अब 000 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 5×5 इसके बाद 0, देखिए 10×5 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 10% है। कितना है दोस्तों, 10% है। तो 50 500 का कितना प्रतिशत है, तो 10% है। देखिए बहुत इजी है लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा आता रहता है, 50 500 का कितना प्रतिशत है, तो 10% है दोस्तों। अब इसी में देखिए दूसरा, अगर मैं आप लोगों को अगर बोलता कि 500 10% का कितना रुपया है, जैसे मैं यही क्वेश्चन मैं जो है सो सेम क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अगर मैं दूसरा अगर पूछता आपसे कि 500 का 10% कितना रुपया होगा, कितना रुपया होगा दोस्तों। देखिए ठीक उल्टा मैं उसको कर दिया कि 500 का 10% कितना रुपया होगा, जैसे मैं वो क्वेश्चन था कि 50 500 का कितना प्रतिशत होगा, तो 10% हो गया, और इसी का मैं ठीक अपोजिट उल्टा कर दिया कि 500 का 10% कितना रुपया होगा, तब आप कैसे निकालोगे। तो देखिए तो उस समय में आप निकालोगे कैसे, तो याद रखिए 500 का मतलब गुना कर देना है, 10% है तो 10/100% का मतलब 100 होता है, याद रखिएगा। अब काट दीजिए, जब ये गुना आ गया तो कटम खोट करोगे, कोना कोनी नहीं कटेगा, तो ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया जाता है, आई होप इतना आप लोगों को पता होगा। अब 000 कैंसिल हो गया, 10×5 50 रुपया, देखिए बराबर में कितना हो गया, तो 50 रुपया। तो यही 500 का 10% कितना रुपया, तो 500 का 10% कितना रुपया दोस्तों, तो मतलब 50 रुपया हो गया। देखिए कितना इजी है, इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा। आप इसको सही से आप एक बार समझ लीजिए, और ढेर सारा अंक हो सकता है दोस्तों, एक बार आपको समझना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए आप एग्जाम देने के लिए जाओगे या कोई एग्जाम दे के आता है ना, तो वो अगर एग्जाम दे के आता है तो अगर उससे आप पूछोगे कि आप कितने प्रतिशत नंबर लाए, तो हो सकता है जो आपको वो बोलेगा कि मैं 50% नंबर लाया, या बोल सकता है कि मैं 60% नंबर लाया, या कोई कोई स्टूडेंट आपको क्या कहेगा कि मैं 300 नंबर लाया, कोई कहेगा मैं 250 नंबर लाया, तो इसमें भी कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट हो जाता है कि आखिर प्रतिशत कहता है तो प्रतिशत को मैं नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, या अगर वो नंबर कहा तो नंबर को मैं प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि वो एग्जाम कितने का देके आया है। जैसे अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देके आएगा, तो बोर्ड का एग्जाम तो होता है 600 का, लेकिन नंबर जुड़ता है आपको 500 का, कितना का जुड़ता है दोस्तों, 500 का। तो वो एग्जाम 500 का देके आया और वो बोला कि मैं 60% नंबर लाया, तो आप कैसे समझोगे कि वो कितना नंबर लाया, क्योंकि वो परसेंट में आपको बोला ना, तो उसको आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि मैं बोर्ड का एग्जाम देके आया, मान के चलिए, और बोर्ड का एग्जाम हुआ आपको 500, मतलब एग्जाम कितना का क्यों नहीं हो, आप याद रखिए, एक अगर समझ जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम चाहे 500 का हो या 600 का हो, 700 800 1000 कितना का भी क्यों नहीं हो, एक बार आपको समझना है।
तो 500 का एग्जाम देके आया हूं मैं और मुझे आया 50% नंबर। कितना आया? 50% नंबर, है ना। मान के चलिए हमको आया 50% नंबर। अब मैं किसी को बताऊंगा कि मुझे आया 50% नंबर, तो अगर आप, तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि आखिर ये कितना नंबर लाया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको इस प्रकार निकालना है। जैसे मैं देखिए हमको कितना 50% नंबर लाया है ना, तो कितना का एग्जाम आप निकालोगे? एग्जाम कितना का हुआ था? 500। तो 500 का कितना? 50% सीधा आपको कर देना है। कितना? हम जो बोले आपको कि मेरा 50% नंबर आया है, तो आपको 500 का 50% कर देना है। तो 500 का 50% आप करोगे तो 500 का को गुना बदल दीजिए 50 बट्टा कितना 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब हिस्सा होता है दोस्तों। अब 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 50 पंचे कितना 250 नंबर। कितना लाए हम? 250 नंबर। अगर हम 500 का एग्जाम दे के आए और हमको 50% अगर नंबर आया ना, तो समझ लीजिए हम कितना नंबर लाए? 250 नंबर। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम 500 का एग्जाम दे के आए, अगर हम किसी को बोले कि मेरा 60% नंबर आया, तो आप कैसे बदलोगे? तो सेम जिस प्रकार मैं आप लोगों को बोला, सेम वही। कितना का एग्जाम? 500 का एग्जाम। तो 500 का आपको क्या? तो 60%। 500 का कितना? 60%। तो 500 गुने कितना? तो 60 बट्टा 100 कैंसिल, तो 60 पंचे कितना 300। तो मतलब मेरा कितना नंबर आया? 300 नंबर आया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई स्टूडेंट बोले कि मेरा इतना परसेंट नंबर आया है, तो आप तुरंत क्या कर लीजिएगा? तो उसको आप अंक में क्या कर लीजिएगा? तो बदल लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो परसेंट में अगर मैं आप लोगों को बताया, अगर आपको बोलेगा, अगर कोई स्टूडेंट अगर बोले, जैसे आप उससे अगर पूछोगे कि तुम्हारा कितना नंबर आया, तो आपको वो क्या कहेगा कि मेरा 250 नंबर आया, 250 नंबर आया। तो आप उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो परसेंट को तो मैं नंबर में कन्वर्ट करना बता दिया, अब नंबर को परसेंट में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? तो देखिए दोस्तों, तो अगर मान के चलिए वो स्टूडेंट हमको बोला क्या, मान के चलिए मेरा 250 नंबर आया। कितना आया दोस्तों? 250 नंबर आया, देखिए। और एग्जाम कितना का हुआ था, उस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, 500 का। तो देखिए स्टूडेंट बोला कि मेरा 250 नंबर आया और एग्जाम 500 का हुआ था, तो आप कैसे आप कन्वर्ट करोगे? तो बहुत ईजी है, आपको परसेंट के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 250 बट्टा एग्जाम कितना का हुआ था? 500। जितना का एग्जाम रहेगा उसको बट्टा गुने परसेंट में बदलने के लिए आपको 100% से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 0000 कैंसिल हो जाएगा, चला 5 से 25, तो 50 पंचे कितना 250। तो अर्थात उस स्टूडेंट को जो है सो 50% की आया नंबर आया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ईजी है दोस्तों। अगर आपको कोई स्टूडेंट अगर बोले ना कि मेरा जैसे इतना परसेंट नंबर आया, तो आप तुरंत जो है सो उसको परसेंट में क्या कर लीजिएगा? कन्वर्ट कर लीजिएगा। या आपको परसेंट में अगर बोले तो उसको नंबर में क्या कर लीजिएगा? कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक और देख लीजिए, मान के चलिए कोई स्टूडेंट बोला आपको क्या, तो मेरा 350 नंबर आया। कितना नंबर आया? 350। तो 500 का एग्जाम दे के आया था ना, तो 350 बट्टा आप क्या कर दीजिए? 500। जितना का एग्जाम दे के आया रहेगा उतना बट्टा में, और इसके बाद परसेंट में बदलने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए 0000 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 7 = 35, तो कितना हो जाएगा आपको? 70% उस विद्यार्थी का क्या आया? नंबर आया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कभी कभी आपको अगर भाग करोगे ना तो दशमलव में भी आ सकता है, इस बात को जो है सो आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट जाओगे ना, तो अगर कोई सामान अगर आप खरीदोगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या देता है? डिस्काउंट देता है। हो सकता है 20%, 30%, 25%, है ना, कुछ ना कुछ क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। अगर आपको परसेंट नहीं होगा तो आप दुकानदार आपको क्या कर लेंगे? ठग लेंगे, है ना, ठग लेंगे ना। तो देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। मान के चलिए आप जाओगे मार्केट, जाओगे एक कपड़ा जाओगे खरीदने के लिए, तो कपड़ा का दाम है कितना? 900 रुपया। मान के चलिए देखिए दोस्तों, कपड़ा का दाम है आपको 900 रुपया दाम है कपड़ा का, और कपड़ा वाला आपको दिया है 30% का क्या? डिस्काउंट दिया है। तो आप 30% का डिस्काउंट दिया है, तो अब जो है सो आप उसको कितना रुपया दोगे? तो मतलब दुकानदार आपको कुछ बताएंगे, अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो कुछ बताएंगे, उसी में आप क्या कर दोगे? दे दोगे। लेकिन अगर आप निकाल के अगर खुद निकालोगे, तो आप खुद जो है सो डिस्काउंट और इससे ज्यादा करवा सकते हो। तो जैसे मान के चलिए कपड़ा का दाम है 900 रुपया, और इसमें डिस्काउंट कितना किया? 30% डिस्काउंट किया। तो मैं कैसे समझूंगा कि इसको कितना रुपया मुझे देना है? तो बहुत ईजी है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 900 का मतलब गुना कर दीजिए 900 का 30%। तो परसेंट मतलब क्या?
आपको प्रतिशत बटा में क्या कर देना, 100 कर देना है। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, याद रखिए, है ना। अब देखिए इसको काटिएगा तो 0000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपको। अब 39 कितना निकलेगा, 39 180 निकल गया। देखिए काट के कितना निकल गया, 180 निकल गया, मतलब 900 का 30% जो हम निकाले तो 180 रुपया निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, 180 रुपया। तो आप 900 में से 180 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया तो 7, तो 720 रुपया उस दुकानदार को आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पहले आप इतना का निकाल लोगे, इसके बाद जो रहेगा उसमें से आपको क्या कर देना है, घटा देना है। देखिए कितना ईजी है। अब तो अगर आप समझ जाओगे, आप फोन से भी कर सकते हो, अगर आप समझ जाओगे तो इसके बाद ना आपको हो गया नहीं 30% नहीं, आप 40% डिस्काउंट करो या 35% डिस्काउंट करो, इसके बाद ही मैं ये सामान क्या लूंगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। एक और एग्जाम्पल मान के चलिए, एक कपड़ा का दाम है दोस्तों 1000 रुपया, मान के चलिए कितना रुपया, 1000 रुपया है ना, और आपको दिया 20% का डिस्काउंट। कितना दिया तो 20% का, तो आप कैसे निकालिएगा, बहुत इजी है। देखिए सही से आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, है ना। तो 1000 का 20% तो 20/100 हो जाएगा, है ना। देखिए 0000 कैंसिल हो जाएगा, 20 दहन कितना हो जाएगा, 200 निकल गया आपको, और 1000 दाम था ना, तो 1000 में से 200 अगर घटा दोगे तो कितना रुपया बच गया, 800 रुपया। तो उस दुकानदार को आपको कितना देना पड़ेगा, 800 रुपया देना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए परसेंट का मैं बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया, बहुत छोटा छोटा, लेकिन ये अपने दैनिक जीवन में हमेशा काम आता रहता है दोस्तों, हमेशा काम आता रहता है, याद रखिएगा। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद।